नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थियों के लिए अब लगता है कि संभावनाएं खत्म होती दिख रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो विपक्ष की बिहार सरकार जो थी अब वो एनडीए में शामिल हो गई है। इसके बाद अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि नीतीश के जितने भी विधायक या मंत्री या फिर सांसद हैं वो कभी केंद्र सरकार से एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थियों के लिए मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से एनआईओएस के डीएलईडी के अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पे तो आ गए हैं, लगातार सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, एमएलसी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब एनडीए के हाथ में जो है वो सत्ता आ गई है बिहार की, जिसके बाद अब संभवतः जितने भी एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थी हैं उनका उम्मीद खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि लगातार जेडीयू के लोग जो है आवाज बुलंद कर रहे थे कि एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थियों को न्याय मिलनी चाहिए, लेकिन अब खुद बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बना लिया है। लेकिन आपको बता दें कि इसके बावजूद एनआईएस डीएलईडी के अभ्यर्थी अभी भी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर नेताओं पे भरोसा किए हुए हैं। साथ ही साथ वे लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कह रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एनआईएस डीएलईडी अभ्यर्थियों के लिए क्या होता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 14 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जो है अभी भी अधर में अटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उनके कोर्स को ही अमान्य करार दिया गया, जिसके बाद लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी कोर्स को मान्यता दी जाए, चाहे ब्रिज कोर्स करा दिया जाए या गजट में शामिल करा दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार अभी तक एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थियों के लिए कुछ खास पहल नहीं की है जिससे कहा जा सके कि सकारात्मक रुख अपनाई हुई है केंद्र सरकार, क्योंकि अगर बात की जाए तो 2017 में जब नोटिफिकेशन लाई थी तो उस दौरान नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े तस्वीर जो है नोटिफिकेशन में छापे गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है अब उनके कोर्स को अमान्य कर दिया गया है और कोई भी सांसद इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई सांसद जो है इस पर खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जब सवाल भी अगर किया जाए सांसदों से तो वो लोग बस यही कहते हैं कि बात हो रही है, शिक्षा मंत्री से मैंने मुलाकात का समय मांगा है, लेकिन अभ्यर्थियों का क्या, अभ्यर्थियों का तो भविष्य बर्बाद होता दिख रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 3 से 4 महीने हो गए अभी तक केंद्र सरकार ने कोई सकारात्मक पहल नहीं किया है और अभी भी लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि SLP भी दायर करने की बात वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है कि इनका कोर्स जो है अमान्य है, केंद्र सरकार कब तक गजट में शामिल करती है या फिर ब्रिज कोर्स कराती है या नहीं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एनआईएस डीएलईडी अभ्यर्थी जो है वो 14 लाख है, 14 लाख अभ्यर्थियों का ताकत जो है अभी केंद्र सरकार समझ नहीं पाई है, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार धर्मेंद्र प्रधान से संपर्क तो सांसद कर रहे हैं, लेकिन एनआईएस डीएलईडी अभ्यर्थियों के लिए कोई सकारात्मक जो है पहल नहीं दे दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो मैंने भी विजय सिन्हा जो वर्तमान में बिहार के अब उप मुख्यमंत्री हो गए हैं उनसे भी सवाल किया था, उन्हें जानकारी ही नहीं है कि एनआईओएस डीएलईडी क्या होता है। चिराग पासवान से मैंने बात की, उन्होंने शिक्षा मंत्री से समय मांगा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कब आखिर एनआईएस डीएलईडी के अभ्यर्थियों के हक में फैसला होता है, क्योंकि अभी तक न चिराग पासवान मुलाकात कर पाए हैं न धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा कोई सकारात्मक जवाब देखने को मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि एनआईएस डीएलईडी अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।